Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalay. In last video we had seen about 1 by 4th term. Today we are going to see our practice time. So one by one I will read question and I will explain it. A. Among the following shapes, find out which one would look the same after 1/4 turn. Put a ट्रू टेक मार्क. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि ये जो पिक्चर्स हम लोगों के पास हैं, टोटल अप्रोक्स 8 पिक्चर्स जो हैं वो हम लोगों के पास हैं, तो ये जो पिक्चर्स हैं इसमें से कौन से ऐसे पिक्चर्स हैं जिसको अगर हम लोग 1/4 टर्न देते हैं, लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, यानी कि अगर हम लोग इसको 1/4 टर्न देते हैं, टर्न करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे जो है तो यहाँ से हम लोगों ने इतना टर्न किया था, तो इस तरह से अगर हम लोग 1/4 टर्न करते हैं तो हम लोगों को जो है वो पिक्चर वैसे का वैसा ही मिलेगा. पुट अ क्रॉस ऑन द शेप्स दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. तो ऐसे जो पिक्चर्स हैं जिसको अगर हम लोग विल नॉट लुक आफ्टर, मतलब कि ऐसे पिक्चर्स जो अदर टर्न करने के बाद वैसे के वैसा नहीं दिखता है, उसको हम लोगों को क्रॉस चेक करना है. तो सबसे पहले हम लोग 1/4 टर्न के लिए 1/4 टर्न देख लेंगे सारे पिक्चर्स में, उसके बाद हम लोग अदर टर्न की ओर जाएंगे, या तो 1/2 टर्न या हाफ टर्न की ओर जाएंगे. तो सबसे पहले जो है ये वाला पिक्चर, ये जो इमेज है, इसको हम लोग करते हैं 1/4 टर्न. तो मैं यहाँ सिंपली आप लोगों को एग्जाम्पल बताने के लिए ये जो है बुक उसी को टर्न करती हूँ. तो ये जो इमेज है वो हम लोगों को कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है. ये जो कट वाला हिस्सा है वो बेसमेंट में है. अब हम लोग टर्न करते हैं इसको 1/4, तो हम ये जो है यहाँ पे मैंने टर्न कर दिया इसको 1/4 टर्न. तो ये जो इमेज है, पहले हम लोगों को इमेज जो है वो इस तरह की मिल रही थी, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो हम लोगों को 1 जो ऊपर लिखा है उस पे मिल रहा था. अगर सिंपली इसको हम लोग 1/2 टर्न करते हैं तो ये जो इमेज है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, एंड ये कट वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे आ जाएगा. ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, तो वो अगेन हो जाएगा यहाँ पे. तो इस टाइप की इमेज अप्रोक्सीमेट हम लोगों को मिलेगी. तो हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो है वो बेसमेंट में मिल रहा है, जबकि ये वाला जो है इसमें यहाँ पे हम लोगों को ये हिस्सा जो है वो मिल रहा है, यानी कि ये जो है वो 1/4 टर्न करने के बाद सेम हम लोगों को नहीं मिल रहा. उसी तरह से हम लोग अगर ये पिक्चर देखें, तो ये पिक्चर अगर हम लोग 1/4 टर्न करते हैं तो हम लोगों को इस टाइप की कुछ दिखेगी, इस टाइप की. तो हम लोगों को सेम इमेज नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि ये जो शेप है तो यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है यहाँ से इसकी विथ की कंपैरिजन में, तो पिक्चर जो है वो सेम हम लोगों को नहीं मिल रही, यानी कि ये इमेज भी हम लोगों को सेम नहीं मिलेगी. उसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चन हैं 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं. सिंपली आप लोगों को इमेज जो है वो ड्रॉ करनी है, आप लोगों को 1/4 टर्न करना है, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया बुक टर्न करके, उसी तरह से हम लोग जो है इसको टर्न करके देखेंगे तो सेम इमेज मिलती है या नहीं, वो हम लोगों को देखना है. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन बी, ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न. तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो शेप्स हम लोगों के पास दिए गए हैं, इन शेप्स में हम लोगों को चेंज करना है. चेंज करने के बाद हम लोगों को इस तरह से ये जो पिक्चर है वो ड्रॉ करने हैं, ताकि जो नई इमेज हम लोगों को मिली है वो नई इमेज जो है उसको अगर हम लोग हाफ टर्न करें तो सेम यही इमेज हम लोगों को मिलनी चाहिए. तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो ये जो इमेज है उसको पहले हाफ टर्न कर देंगे,
तो इसको आधा टर्न अगर हम लोग कर लें तो ये इमेज जो है कुछ इस तरह की हम लोगों को मिल जाएगी। सारी की सारी इमेज जो है वो ये जो है हम लोगों ने आधा टर्न कर लिया। अब यही इमेज जो है वो हम लोग न्यू इमेज ड्रा कर देंगे, यानी कि जो सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा था तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला हिस्सा था तो वो ऊपर आ जाएगा। उस टाइप से हम लोग इमेज न्यू ड्रा कर लेते हैं। अब उसी इमेज को अगर हम लोग हाफ टर्न करेंगे तो सेम हम लोगों को वैसे की वैसी इमेज जो है वो मिल जाएगी। अब ये इमेज है तो इसकी न्यू इमेज हम लोग किस तरह से ड्रा करेंगे, तो ये जो सर्कल है वो सर्कल वैसे का वैसा रहेगा। ये जो है कुछ इस टाइप का अप्रोक्सीमेट मैं आप लोगों को ड्रा करके बता रही हूँ। इसकी हाफ इमेज जो है वो तो येलो वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो न्यू इमेज जो है वो हम लोगों ने ये ड्रा कर ली। अब ये जो न्यू इमेज मिली हम लोगों को उसको अगर हम लोग आधा टर्न कर लें तो हम लोगों को यही वाली इमेज जो है वो सेम मिल जाएगी। तो इस तरह से सारी की सारी इमेज जो है वो आप लोगों को ड्रा करनी है, एंड उसके बाद जो उसको आधा टर्न देना है ताकि आप लोगों को सेम इमेज जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक लाइक ऑन वन हाफ टर्न एंड हाफ अ टर्न। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि ये जो इमेजेस दी गई हैं ए बी सी एंड डी, ये चारों की चारों इमेजेस हम लोग वन फोर्थ टर्न करेंगे तो कैसे दिखेंगी, एंड वन हाफ टर्न करेंगे तो किस तरह से दिखेगी, वो हम लोगों को इसकी इमेज जो है वो ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल यानी कि उसकी सारी के सारी भुजाएं हैं वो सेम हम लोगों को, उसका जो मेजरमेंट है वो सेम मिलता है। तो इसको अगर हम लोग वन फोर्थ टर्न करते हैं तो सेम हम लोगों को मिलेगा। सेम ये जो इमेज हम लोगों के पास ली गई है वैसे की वैसी ही इमेज हम लोगों के पास वन फोर्थ टर्न करने के बाद भी मिलेगी। एंड अगर हम लोग आधा टर्न कर लेते हैं तो आधा टर्न करते हैं तो ये जो नुकीला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह की इमेज जो है वो हम लोगों को मिलेगी। नुकीला हिस्सा जो है वो ठीक एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट अगर हाफ टर्न कर ले तो ये वाला नुकीला हिस्सा जो है हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो इमेज है वो हम लोगों के पास होगी कुछ इस तरह से। ये नुकीला वाला हिस्सा जो है वो यहां पे आ जाएगा। ये जो है मेरे पास अप्रोक्स इमेज मिल रही है। अब है नेक्स्ट इमेज जो है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर को अगर हम लोग वन हाफ टर्न करते हैं तो वैसे का वैसा स्क्वायर ही मिलेगा। वन बाय फोर टर्न करते हैं तो स्क्वायर ही मिलेगा, एंड हाफ टर्न करते हैं, वन हाफ टर्न करते हैं तो भी हम लोगों को स्क्वायर ही मिलेगा, एग्जैक्ट स्क्वायर। तो वो जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। अब रेक्टेंगल जो है, तो रेक्टेंगल को अगर हम लोग हाफ वन फोर्थ टर्न करते हैं तो कुछ इस टाइप की इमेज मिलेगी, एंड वन हाफ टर्न करते हैं तो सेम यही की इमेज हम लोगों को वापस से मिल जाएगी। नेक्स्ट है पेंटागन। तो पेंटागन जो है वो आप लोग खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव शेप डू नॉट लुक द सेम ऑन वन फोर्थ टर्न एंड विच शेप्स डू नॉट लुक द सेम ऑन वन हाफ टर्न। तो इसमें से कौन से शेप जो है वो वन फोर्थ टर्न के लिए सेम नहीं दिखाई देते, ऐसे कौन से शेप हैं जिसको हम लोग वन फोर्थ टर्न करते हैं तो सेम इमेज हम लोगों को नहीं मिलती। तो एक तो ये वाला जो है पोर्शन आएगा, नेक्स्ट पेंटागन जो है वो आएगा। अब कौन से शेप्स जो हैं वो वन हाफ टर्न करने के बाद वैसे का वैसा नहीं दिखेगा, तो वो आप लोग खुद ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा जो है वो वैसे का वैसा नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है, विच फैन विल लुक द सेम ऑन अ वन थर्ड टर्न। अब हम लोगों ने सबसे पहले वन हाफ टर्न देखा, उसके बाद वन फोर्थ टर्न देखा, अब चलते हैं वन थर्ड टर्न की ओर। तो वन थर्ड टर्न अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को जो है कौन सा फैन जो है वो
वन थर्ड करने के बाद वैसे का वैसा नहीं दिखेगा। तो सिंपली ये जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको सिक्स पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिवाइड कर लेते हैं। अब ये जो है तो इसको हम लोग वन थर्ड टर्न करते हैं, तो ये वाली जो फैन की विंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये जो इमेज है पूरी इस तरह से कुछ घूम जाएगी। नेक्स्ट ये वाली इमेज भी उसी टाइप से यहाँ पे थोड़ी सी घूम जाएगी। तो वन थर्ड टर्न करने के बाद ये जो इमेज है, अगेन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये जो है तो पूरे सर्कल को तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अगर इसको हम लोग इमेजिन करें तो ये जो है वो वन सर्कल हम लोग ले लेते हैं, प्रॉपर सर्कल। अब ये जो सर्कल है इसको टोटल हम लोगों को टर्न करना है वन बाय थर्ड टर्न। तो ये जो है वो पंख हम लोगों को कहाँ मिलेगी, तो वन फोर्थ टर्न करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे मिलती है, लेकिन अगर हम लोग वन थर्ड टर्न कर लें तो ये जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे मिलेगी, वन बाय फोर, वन बाय थ्री। तो इसमें से वन बाय फोर टर्न अगर हम लोग करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं घूमेगा, लेकिन वन बाय थर्ड अगर हम लोग टर्न करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा घूमेगा। अब अगेन ये वाला जो है तो इसमें हम लोगों के पास क्या होगा, तो ये वाली विंग जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये जो दोनों है वो पर्पल कलर के हो जाएंगे, ये वाला एंड ये वाली विंग, एंड ये वाली जो है वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। तो ये जो शेप है वो बिल्कुल वैसे का वैसा नहीं दिखेगा, जबकि ये जो शेप है वो बिल्कुल वैसे का वैसा दिखेगा। नेक्स्ट जो है, इन शॉर्ट आप लोगों को अगर समझना हो तो जो इमेज एकदम परफेक्ट दी गई हो, जिसमें सारे के सारे जो शेप्स हैं वो प्रॉपर से दिए गए हों, कोई डिफरेंट कलर ना हो, उसकी सारी भुजाएं हैं तो वो सेम दी गई हो, जो शेप्स यहाँ पे सपोज हम लोग ले रहे हैं तो ये जो विंग है तो वो सेम कलर की हैं, तो इस टाइप की इमेज में हम लोग अगर टर्न करते हैं तो हम लोगों को सेम इमेज जो है वो मिलेगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो दो पर्पल हैं एंड एक ग्रीन कलर का है, तो इसको अगर हम लोग टर्न कर ले तो वो ऑब्वियसली चेंज हो ही जाएगा। तो इसलिए इस तरह की ये जो है वो माइनर हिंट है कि ताकि आप लोगों को पता चले कि टर्न करने में जो हम लोगों की इमेज मिलती है वो किस टाइप की मिलेगी। अब नेक्स्ट जो है, ड्रॉ दिस शेप आफ्टर वन थर्ड टर्न। तो ये जो शेप है इसको वन थर्ड टर्न करना है, एंड वो शेप जो है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो ये जो शेप है तो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसको हम लोग अगर वन थर्ड टर्न कर लेते हैं तो वो किस तरह से दिखेगा। अब ये जो इमेज है इसको अगर हम लोग वन बाय थर्ड टर्न कर लेते हैं, ये वाला जो है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो ये जो हिस्सा है तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है कुछ शेप, ये जो अंदरूनी ट्रायंगल है यानी कि ये वाला, तो ये वाला जो है वो हम लोग बाद में दौड़ेंगे, पहला बाद में ड्रा करेंगे, ये वाला जो है वो हम लोग पहले ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो हिस्सा है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कुछ शेप जो है वो यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से मिलेगा, विदाउट स्केल एंड आई कैन नॉट ड्रॉ इट प्रॉपरली बट आई विल गिव यू बेसिक आइडिया। एंड ये वाला जो है तो वो अगेन हम लोगों के पास हो जाएगा, ये भी जो है वो ट्रायंगल यहाँ पे घूम जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह की इमेज जो है वो हम लोगों को मिलेगी। तो ये जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है आफ्टर वन बाय थर्ड टर्न। ये जो है वो आप लोग देख सकते हैं वन बाय थर्ड टर्न हो जाने के बाद ये जो है इमेज कुछ इस तरह की हम लोगों के पास दिखेगी। अब नेक्स्ट जो है वन बाय सिक्स टर्न। तो वन बाय सिक्स टर्न अगर हम लोग देखें तो ये जो शेप है तो इसके टोटल आप लोग देख सकते हैं, तो इसके टोटल सिक्स हिस्से जो है वो किए गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो टोटल सिक्स पार्ट हम लोग पास किए गए हैं।
अब ये जो 6 पार्ट्स हैं तो 1/6 टर्न यानी कि पूरे जो 6 हिस्से हैं उसमें से हम लोग एक टर्न जो है वो घुमाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हैं हेक्सागोन उसके 6 हिस्से कर दिए गए हैं, उसका एक टर्न जो है वो हम लोग घुमाएंगे यानी कि इतना हिस्सा जो है वो घूमेगा। तो यहाँ पे इतना हिस्सा जो है वो घूमेगा यानी कि ये वाला जो डॉट है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग ये वाला स्टार वाला ले ले तो ये वाला स्टार जो है तो 1/6 टर्न करेंगे तो हम लोगों को इसका ये वाला नुकीला पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगेन ये वाला जो शेप है तो उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास क्या है कि ये जो सारे शेप्स हैं उसमें अगर हम लोग 1/6 टर्न करें तो हम लोगों को सेम मिलेगा। यस, ये जो सारी की सारी इमेज है तो ये सारी इमेज अगर हम लोग 1/6 टर्न कर लें तो सेम टू सेम ही मिलेगी। अगेन हम लोगों के पास यहाँ पे जो इमेजेस दी गई हैं तो ये जो है इमेजेस उसको हम लोगों को 1/3 टर्न एंड 1/6 टर्न करना है। तो अगर हम लोग 1/3 टर्न करेंगे तो भी हम लोगों को यही इमेज मिलेगी एंड 1/6 टर्न करें तो भी हम लोगों को यही की यही इमेज मिलेगी। या इसी तरह से ये जो सारी की सारी इमेज हैं उस सारी की सारी इमेज को हम लोग जो 1/3 टर्न करेंगे तो भी सेम मिलेगा एंड 1/6 टर्न करें तो भी हम लोगों को सेम ही मिलेगा। सिंपली हम लोग ये जो हैं 6 पोर्शन ये जो है 6 पोर्शन अगर हम लोग ले लें, अब इसको अगर हम लोग 6 लाइन जो हैं सिंपली कोई शेप नहीं सिर्फ 6 लाइंस तो इसको अगर हम लोग टर्न करते हैं तो सेम यही इमेज जो है वो हम लोगों को मिलेगी प्रॉपरली। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें जैसे ये जो पिक्चर है एकदम से परफेक्ट ड्रॉ किया गया है, इसके 6 लाइंस जो हैं ये जो डॉटेड लाइंस हैं लाइंस ये हेक्सागन वाला हिस्सा नहीं सिर्फ लाइंस तो इसमें आप लोग देख सकते हैं तो वैसे के वैसे ही इमेज जो है वो हम लोगों को मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिसिटी यानी ये जो इमेज है इसकी सेम इमेज हम लोगों को यहाँ पे मिलती है तो उस इमेज को हम लोग एक दूसरे की सिमेट्रिक इमेज जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास हैं कुछ शेप्स दिए गए हैं, ये जो शेप्स हैं उस शेप्स को आप लोगों को क्या करना है तो ये जो सारे के सारे शेप्स हैं उसको आप लोगों को 1/3 टर्न करना है। अगर 1/3 टर्न करने के बाद जो इमेज है वो वैसे के वैसे दिखे हम लोगों को तो उसमें हम लोगों को ट्रू टिक करना है। अगर वैसे के वैसे अगर हम लोगों को नहीं दिखे 1/3 टर्न करने के बाद तो उसको हम लोगों को क्रॉस करना है। पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। Find out which of these figures look the same on 1/3 turn. Mark them with true tick. Which are the ones that will not look the same after 1/3 turn? Mark them with cross. अब ये जो इमेज है इसको अगर हम लोग 1/3 कर लेते हैं तो ये पिंक वाला जो सर्कल है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला येलो शेडेड या तो फिर ब्लैंक शेडेड सर्कल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड ब्लू वाला सर्कल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा तो ये इमेज जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं दिखेंगी तो इस पे आएगा क्रॉस मार्क। अब अगेन ये वाली इमेज हम लोग देखें तो ये वाली जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी तो ये भी हम लोगों के पास वैसी की वैसी नहीं मिलेगी यानी कि इसको अगेन हम लोग करेंगे क्रॉस मार्क। ये इमेज है तो इसमें ग्रीन वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये जो येलो वाला थोड़ा सा हम लोगों को हिस्सा दिख रहा है तो वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे इस पोर्शन पे यानी कि ये जो इमेज है वो भी हम लोगों को अगेन वैसे की वैसे नहीं मिलेगी। सो ये जो इमेज है ये तीनों इमेज है तो वो हम लोग अगर 1/3 टर्न कर दें तो सेम नहीं मिलेगी। अब ये जो इमेज है इसको हम लोग 1/3 टर्न करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा तो वो जो है वो हम लोगों को सेम मिलेगा। नेक्स्ट में बाकी की ये जो तीनों इमेज हैं वो सिमेट्रिक इमेज हैं या तो फिर इक्विलेटरल इमेजेस हैं। इक्विलेटरल यानी कि जिसकी सारी भुजाएं हैं जो सेम हो, तो ये जो दोनों है इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो इसको हम लोग जितना भी टर्न कर ले 1/3 टर्न करे 1/6 टर्न करे 1/
टू टर्न करे या 1/3 टर्न करे तो वो वैसे का वैसा ही दिखेगा। उसी तरह से ये इमेज जो है वो भी हम लोगों को सेम मिलेगी। नेक्स्ट है, ट्राई एंड चेंज द शेप्स बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। तो जैसे हम लोगों ने जो शेप्स हैं जो 1/2 टर्न करने के बाद, ये जो है 1/2 टर्न करने के बाद वैसे के वैसे दिखेंगे, उस तरह का हम लोगों ने फाइंड किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो है वो 1/3 टर्न करने के बाद सेम वैसे का वैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप की इमेज जो है वो हम लोगों को ड्रॉ करनी है। तो अगेन इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सेम इमेज जो है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे ताकि 1/3 टर्न करें, 1/4 टर्न करें या कोई भी टर्न अगर हम लोग करें तो हम लोगों को सेम ही इमेज जो है वो मिलेगी। तो ये जो है वो सारे के सारे के लिए हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ सम शेप्स विच लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो 1/3 टर्न करने के बाद ठीक वैसे की वैसी इमेज मिलेगी, ऐसे कुछ शेप्स जो है वो हम लोगों को ड्रॉ करने हैं। तो ये जो है वो एक एग्जांपल, आप लोग ये जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन दूसरा जो है तो ये वाला, दोनों एग्जांपल है वो ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। तो 1/6 टर्न करने के बाद सेम दिखेंगे, ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम लोगों को लेने हैं। तो ये वाले सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो हम लोग ले सकते हैं 1/3 टर्न के लिए भी एंड 1/6 टर्न के लिए भी। तो उसको हम लोग जितना भी टर्न कर ले वो वैसे का वैसा ही दिखने वाला है, 1/3 टर्न करे या 1/6 टर्न करे। तो ये जो है वो दोनों क्वेश्चन के लिए, ये जो दोनों इमेज है वो आप लोग, ये जो दोनों क्वेश्चन है उसके लिए ये चारों इमेज आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहीं पे हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। तो ये जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।